हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आनंद स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 5 क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग कुछ आर्ट के बेसिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज क्लास 6 में हम लोग पोर्ट्रेट ड्राइंग सीखेंगे, ठीक है। पोर्ट्रेट या फेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, फेस ड्राइंग, ठीक है। फेस ड्राइंग कैसे करते हैं, क्या रूल्स हैं, और इससे पहले मैंने पोर्ट्रेट का थ्योरी वीडियो डाला था, ठीक है। उसमें केवल थ्योरी था कि फेस कितने टाइप के होते हैं, और हम लोग प्रैक्टिकल में सीखेंगे कि फेस कैसे ड्राइंग करें, ठीक है। फिक्स क्या फार्मूला है, क्या नियम है, क्या रूल्स है, जिसके माध्यम से हम लोग फेस ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज पोर्ट्रेट ड्राइंग करने वाले हैं, ठीक है। तो पोर्ट्रेट ड्राइंग करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ जान जाए। पोर्ट्रेट के बेसिकली 3 पोजिशन होते हैं, ठीक है। पहला होता है साइड साइड पोजिशन, और दूसरा होता है आपका 1/3 पोजिशन, और आपका तीसरा होता है फ्रंट फेस, ठीक है। बेसिकली ये तीनों का हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। बाकी तो और भी बहुत सारे पोजिशन हैं फेस के, बट हम लोग ये बेसिक फेस का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करें कौन सा, साइड फेस, ठीक है, साइड फेस, ठीक है। सबसे पहले हम आज वन को स्टडी करेंगे, साइड फेस को, ठीक है, कि साइड फेस कैसे ड्राइंग किया जाता है। और बाकी 1/3 फेस और फ्रंट फेस हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो साइड फेस कैसे ड्राइंग किया जाए, कैसे बनाए, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं कि कौन सा लाइन क्या होता है फेस में, ठीक है, फेस प्रारंभ में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो आपको क्लास 1 का वीडियो बताया था कि आपको लाइन्स का प्रैक्टिस करना है और सर्कल का प्रैक्टिस करना है, तो आज उन्हीं सब का यूज़ करते हुए हम लोग आज फेस ड्राइंग सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक लाइन ड्राइंग सीखते हैं, कैसे हम लोग फेस बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बड़ा सा सर्कल बनाना है, ठीक है। ये सर्कल बन गया, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, उससे मतलब नहीं, अभी हम लोग को प्रैक्टिस करना है। सर्कल बन गया, सर्कल के ठीक बीच से ये हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गया वर्टिकल लाइन, और ठीक बीच से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसे जो ये जो लाइन है, ये जो सर्कल है, ये जो लाइन, इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, इसको हम लोग 3 भागों में, बराबर भागों में डिवाइड कर देना है, ठीक है। और इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है, ठीक है। ऐसे सबसे पहले आपको ऐसे सर्कल रेडी कर लेना है, और जैसे मैं बताया आपको डिवाइड करने के लिए, आपको ऐसे डिवाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आइडेंटिफाई कराता हूँ कि कौन सा लाइन किस चीज़ का है, ठीक है। तो हम जानेंगे कि कौन सा लाइन से क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन है आपका हेड का हेड, ठीक है। उसके बाद जो ये जो मिडिल वाला लाइन है आपका, जो मिडिल पॉइंट से जो लाइन यहाँ पे आ रहा है, ये आपका है आई का, ठीक है, आई का हो गया। और ये जो आपका लास्ट ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये जो आपका लास्ट वाला, ठीक है, ये आपका नोज का हो गया, ये नोज का हो गया, ठीक है। तो ये जो 3 बेसिक्स लाइन है, इसको पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग कैसे फेस बनाएंगे, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, फिर उसको बीच से, पहले आइए तो एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। सर्कल ड्रा करेंगे, वर्टिकल लाइन बनाएंगे, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, 3 भागों में डिवाइड करेंगे, और 3 सर्कल बनाएंगे बराबर बराबर, ठीक है। 3 सर्कल बनाना है आपको, ये आपका हो गया हेड का, ये आपका आई ड्राइंग हो गया, ये आपका नोज का हो गया, ठीक है। हेड, आई, नोज, ठीक है, आइए यहाँ पे समझते हैं हम, ठीक है। ये हेड हो गया आपका, यहाँ से आपका जो हेयर है, हेयर निकलेगा, ठीक है,
ये हो गया आपका हेयर। फिर यहाँ से देखिए, अभी आपको मैं बस समझा रहा हूँ। अभी ये हो गया आपका आई, और यहाँ से आपका ये नोज बनेगा, ठीक है। ये नोज पार्ट है, अभी हम लोग केवल प्रैक्टिस करें। तो यहाँ का जो डिस्टेंस, जितना हम लोग डिस्टेंस यहाँ से लिए हैं, इतना ही बराबर डिस्टेंस हमको यहाँ नीचे भी लेना है, ठीक है। क्यों लेना है अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये जो आपका लास्ट वाला ये जो लाइनिंग है, ये आपका लिप्स का होता है। लिप्स यहाँ पे आपका लिप्स बनेगा, ठीक है। ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे हुआ, यहाँ पे हमको ऐसा सर्कल बनाना है, और फिर यहाँ से ऐसे इसको इस वाले जो लास्ट वाला सर्कल है इस पर हमको मैच कर देना है, ठीक है। और इसमें ये जो तीन पार्ट बन जा रहा है, फोर पार्ट बन जाए, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसमें आपका क्या रहेगा, काम रहेगा। इस वाले फोर पार्ट में आपका कान हो जाएगा, ठीक है। और ये कान से इसे मैच कर देंगे, ठीक है। और जो ये पीछे का भाग है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। और ये वाला जो लाइन आ रहा है जो नोज से, ये आपका ये फ्रंट गला हो गया, ठीक है। तो पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, ठीक है, कि स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ करें, क्या बेसिक नियम है, अगर आइए फिर से हम प्रैक्टिस करते हैं। सर्कल हुआ, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे। ये हेड हो गया आपका, आई हो गया, और ये वाला जो आपका लिप्स का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका हेड बन जाएगा, ये आपका नोज पार्ट हो गया, यहाँ पे आपका लिप्स बन जाएगा, और यहाँ से ऐसे ठीक है, और ये पीछे का भाग हो गया, ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे आपका ये कान हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे मैच कर देंगे। तो पहले आपको ये सब प्रैक्टिस करना है, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा बनाना, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ लाइन का प्रैक्टिस करें, अभी हम लोग सिर्फ खींचना सीख रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आईब्रो हो जाएगा, फुल डिटेल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप इन सब का प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, यहाँ पे आपका आई बन जाएगा, ठीक है। ये आई हो गया, और यहाँ पे आपका ये नोज बन जाएगा, ठीक है। नोज ड्राइंग कैसे करते हैं, मैं आपको एक वीडियो बना के डाला हूँ, ठीक है, जहाँ के आप प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं कैसे नोज बनाते हैं, ठीक है। नोज बनाना कुछ नहीं है, आपको ऐसे करना है, देखिए नोज बनाने के लिए, और ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे कर दीजिए बेसिकली ऐसे यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसे मैच कर देना है, इसको यहाँ से ऐसे, इसको ऐसे, ये नोज आपका बनकर रेडी हो, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको शेडिंग करते रहेंगे तो नोज ऐसे ही बनता है, ठीक है। बाकी मैं आपको पूरा वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक है। आप वीडियो को धीरे धीरे देखते रहिए, पार्ट टू में आपको, और मैं इसका मैं पार्ट टू लेके आऊँगा, ठीक है। उसमें आपको एक फिगर बना के दिखाऊँगा, ठीक है, कि साइड फेस ड्राइंग कैसे करते हैं, ठीक है। ये हम लोग सिर्फ केवल लाइन से फैमिलियर हो गए, परिचित हो गए, कौन सा लाइनिंग क्या होता है। आप ध्यान दोगे, ये जो कान है और ये जो नाक है, दोनों एक सेंटर में ही रहता है, ठीक है। तो कौन सा लाइन किस लिए काम आता है, हम उसका परिचय कर लिए। पार्ट टू में मैं आपको बताऊँगा कि आप ड्राइंग कैसे करेंगे, फेस ड्राइंग कैसे करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा आपको। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमसे बने रहने के लिए। थैंक यू।